हम आए सम सम में, इस रिसोर्ट में आए हैं जहाँ पे टेंट का जो ये होता है प्रोविज़न वो किया जाता है। टेंट वाले रूम मिलते हैं एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, मतलब जैसे चाहिए वैसे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है आज रात को, ओके। उस एक्टिविटीज़ के बारे में हम पहले एक काम करते हैं, जो हमारा रूम मिला है वो देख लेते हैं। नरेश, कुछ बताना चाहोगे ये कहाँ पे है, लोकेशन क्या है? ये जैसलमेर सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, 49-50 किलोमीटर, और सम यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे जहाँ पे पूरा डेजर्ट है। तो यहाँ पे आज हम ठहरने वाले, और यहाँ पे बहुत सारे कैंप आप देख रहे हो, कुछ कुछ कॉट्स बने हैं, कुछ कुछ कैंप बने हैं, और कैंप में भी आपको ये सब सुविधा दी गई है, जैसे कूलर हो गए, पानी हो गया, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है। जैसे कि हमने सोचा था कि रेगिस्तान में भी बहुत सारे डट्स रह गए, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी दिखाई देते कि कैसा है, है ना? तो आप देख सकते हो लाइन से ये सारे कैंप है और सब साफ सुथरे, ये सारा लाइन है। हमारे ये सामने वाला ये हमारा 106, ये हमारा टेंट। बाहर से थोड़ा आप अंदर से आओगे तो एकदम क्लीन दिखेगा। जैसे दिखाते हैं हम, सुबह चप्पल यहाँ पे उतार देते हैं। ओ वाओ, तीन लोग आए हम यहाँ पे, एक के सोने के लिए यहाँ पे, दो यहाँ पे सो जाएंगे। और कूलर दिया है, कूलर में अभी पानी जस्ट भरवाया हमने और काफ़ी कूलिंग हो गया है। कूलिंग तो इतना हो रहा है कि यहाँ पे लगा है एसी का ऑप्शन भी है क्या? एसी का कॉट्स बने हुए हैं बट वो दीवार वाले, मतलब वही। आप आते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा ये कूलर का लो, क्योंकि आप कूलर आप देख सकते हो कितना ठंडा हो गया है यहाँ पे, पंखा लगा हुआ है। हाँ, और आपको बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम देखते इस तरह बाथरूम। अरे वाह, ये तो दीवार का अच्छा, मतलब बाथरूम प्रॉपर है। प्रॉपर बाथरूम भी, ऐसे नहीं कि आपको एक धूल में नहाना है, वॉशरूम जाना है, प्रॉपर बाथरूम दिया है, नीचे टाइल्स दी है, और ऊपर में भी वो दीवार नहीं दी है, उसके लिए उन्होंने वहाँ टेंट का सिस्टम दिया है, और ये रूम को अटैच करके उन्होंने पूरा टेंट दिया है ताकि यहाँ पे सारा सुविधा मिले। और शाम का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे हमारा? सबसे पहले ये हमारे बैठने की है, तो अभी हम जस्ट हम आए हैं, थोड़ा फ्रेश हो गए, उसके बाद हमारा वेलकम ड्रिंक की तैयारी हो रही है। तो उसके बाद हमारा टीका होगा, वेलकम ड्रिंक होगा, फिर ड्रिंक करने के आने के बाद होगा ना। हाँ, उसके बाद यहाँ के पैकेज इंक्लूड है, हम जाएंगे कैमल सफारी के लिए जो कि प्रॉपर सम है, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर जो डेजर्ट आपने देखा था सोल्जर मूवी में, यस वो डेजर्ट, और डेजर्ट कम से कम है 5-6 फ्लोर तक लंबे लंबे। अरे बाप रे, इतने बड़े रेत के टीले। यस, तो जीप सफारी में हम लोग को वहाँ पे लेके जाएंगे और जीप सफारी में सारा डेजर्ट पर घुमाएंगे और बहुत ज़ोर से घुमाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद शाम में टी और स्नैक्स है, वो सब करने के बाद रात को डिनर रहेगा इनकी तरफ से, और भी प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चर है, फोक डांस है, फोक डांस है राजस्थान का, घूमर है, ये सारा डांस रहेगा। उसके बाद डीजे भी होगा, आपको जिसको भी डांसना है ना सकता है, और हम भी एक्सेप्ट करें आप देखते हैं क्या होता है। और ये आपको ये मज़ा बिल्कुल हम कराएंगे फ्री 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 घर बैठे बैठे, सिर्फ देखने का मज़ा है, फील नहीं कर सकते आप, फील करना है तो यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ पे लाल जी आपको क्या लगता है, कल ही कर पाएंगे कि आपको यहाँ पर रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरे को भी अच्छा लगता है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि चिमटी काट के बुलवाए गए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इनको ये शादी शुरू अंदर बैठे थे, इनको थोड़ा सा जाना था कहीं, हमने बोला रुको जरा हमको वीडियो लेने दो। आप लोग का वेलकम ड्रिंक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे कहाँ पे सीधा वो भैया लेके आ रहे हैं, कुर्ते लेके आ रहे हैं बेचारे भैया को, खुद एक वेलकम ड्रिंक लगे कुर्ते लेके आ रहे हैं। काम करते हम बैठे, हम थोड़ा अंदर से बैठते ताकि वेलकम ड्रिंक को लुत्फ उठा सके। एक उसको बोलना पड़ेगा बाहर से लेके आता हूँ शेयर, और अगर वो किसी और रूम में चले गया तो समझ जाना अपना नहीं है। वो बैठ के मज़ा लेते हैं, वेलकम ड्रिंक नहीं है वो, कोई और ही है।